स्टूडेंट वेलकम टू यू इन ऑनलाइन क्लासेस। इससे पहले आपको चैप्टर वन में बताया गया था फ्रांसीसी क्रांति के कारण, यानी फ्रांसीसी क्रांति होने का क्या कारण था, ऐसे टॉपिक आपको बताया गया। इसी क्रम में जो है अगला टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं हैं इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि फ्रांस में जो क्रांति हुई वो किस प्रकार की घटनाएं फ्रांस में घटित हुई, जिसमें सबसे प्रमुख जो घटना है बास्टिल दुर्ग का पतन और उस पतन का क्या परिणाम हुआ। बास्टिल एक दुर्ग है, किला है। फ्रांस में ये जो बास्टिल का दुर्ग है, जैसा कि आपको पिछले टॉपिक में भी बताया गया कि यह राजशाही किला है और यह शासक के निरंकुश स्वेच्छाचारिता का एक प्रतीक है। फ्रांस में जो भी नागरिक है, जो भी जनता है, बास्टिल के दुर्ग को एक निरंकुश राजशाही और स्वेच्छाचारी शासक के महल के रूप में जाना गया है। तो क्रांति में सबसे पहला काम यह किया गया जनसाधारण यानी क्रांतिकारियों के द्वारा कि बास्टिल का पतन किया गया। इसमें क्रम क्या था कि राष्ट्रीय महासभा को जून 1789 में राष्ट्रीय महासभा को मान्यता मिली। इसके बाद राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशनों पर पूरे फ्रांस का ध्यान आकर्षित था। राष्ट्रीय महासभा की, जिसको आप इंग्लिश में नेशनल असेंबली भी बुक में पाएंगे, तो इसमें जो है एक घटना घटित होती है 11 जुलाई 1789 को। इसमें यह अफवाह फैलाया जाता है कि राजा जो है विदेशों से सैनिक बल के द्वारा लोगों के ऊपर देशभक्तों और क्रांतिकारियों की हत्या कराना चाह रहा है। यह एक बहुत बड़ा अफवाह थी और इस अफवाह के कारण लोगों में एक भय बना हुआ था। इसी बीच 11 जुलाई 1789 को राजा के द्वारा अपने वित्त मंत्री नेकर को उसके पद से हटा दिया जाता है। इस कर्म से, राजा के इस कार्य से लोगों के मन में जो भय था, जो राजा के प्रति उनकी उनके मन में जो आशंका थी वह और प्रबल होती है और इसी के परिणाम स्वरूप पेरिस की जनता, जो बास्टिल का दुर्ग पेरिस में स्थित है, पेरिस की जनता जो है आंदोलन करने के लिए विवश हो जाती है। जनता में उत्तेजना हो जाती है और जनता बास्टिल के दुर्ग का पतन कर देती है। साथ ही साथ एक दूसरी घटना घटती है जो 14 जुलाई 1789 में किसानों के बीच यह अफवाह पहुंची है कि सम्राट जो है, सम्राट की जो जागीर है, जैसे ग्रामीण में जो जागीर है, ग्रामीण किला जिसमें एक तरह से जमींदारी सिस्टम की अगर बात करें तो हर एक गांव में एक जागीर किला होती थी और किसानों को यह अफवाह सुनाई दिया कि ये जो जागीर है ये लुटेरे बुला करके उनके फसलों को बर्बाद करना चाहते हैं और उनके फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे अफवाह की सूचना मिलते ही ग्रामीणों किसानों ने अपने अपने गांव के जागीरों पर 14 जुलाई 1789 को ग्रामीण किले पर आक्रमण कर दिया और उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार 14 जुलाई 1789 में किसानों का विरोध होता है, विद्रोह होता है और
इसकी वजह से जो कुलीन जागीर है उनको बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है, यहां तक कि वे लोग अपने देश को छोड़कर के दूसरे देश में जाने लगते हैं। ये जो दो महत्वपूर्ण घटना वास्तविक के दूर का पतन और ग्रामीण जागीरों का पतन, यह फ्रांस के इतिहास की अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देख सकते हैं, जो निरंकुश शासक के पतन की पहली घटना आप देख सकते हैं, पहली घटना के रूप में इसको मान सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय जो है वास्तविक का दुर्ग जो है आम लोगों के लिए राजाओं की निरंकुशता और स्वच्छाचारिता का प्रतीक माना जाता है, प्रतीक माना जाता था, इसलिए वास्तविक का पतन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के रूप में फ्रांस के इतिहास में देखा गया। इसलिए 14 जुलाई 1789 को प्रतिवर्ष उसी वर्ष से 14 जुलाई को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, अर्थात 14 जुलाई फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से इसमें लुई सुलावा इन विद्रोह लुई सुलावा जो तत्कालीन सम्राट है, राजा है, वह इन इस प्रकार के विद्रोहों के कारण नेशनल असेंबली को फिर से मान्यता उनको देनी पड़ती है और 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली द्वारा एक घोषणा की गई कि करों में कर्तव्य बंधनों यानी जो आम नागरिक हैं उनके जो कर्तव्य बंधन की आपको यह कर्म यह आदेश है उसको मानना ही है, जो उनके कर्तव्य है जो अपने कर्तव्य के बंधनों में जकड़े हुए थे ऐसे बंधनों को का उल्लंघन किया गया, सामंती व्यवस्था का उल्लंघन किया गया। इस प्रकार से जो विशेष अधिकार पादरी वर्ग को कुलीन वर्ग को मिला हुआ था, ऐसे में उनको 1789 के जो नेशनल असेंबली के निर्देश जारी किए गए, जो इन व्यवस्थाओं की उन्मूलन की घोषणा की गई, इसके एवज में इसके घोषणा को देखते हुए पादरी वर्ग को अपने विशेषाधिकार को छोड़ना पड़ गया। फिर अगले टॉपिक में इसमें टेलीस्कोप की सफल, इसमें आप देखेंगे कि तीनों वर्गों की सभाएं, तीनों वर्गों यानी प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स, तीनों वर्गों की सभाएं जो है अलग अलग होना शुरू हो गया। ये 6 मई 1789 को तीनों जो स्टेट्स थे, तीनों जो वर्ग थे, वह जो है अपने अपने अलग अलग भवनों में सभा आयोजन किए। मध्यम और जनसाधारण वर्ग यानी तीसरे स्टेट्स को हम जनसाधारण के रूप में जनसाधारण के नाम से जानते हैं, उनका अध्यक्षता जो करता था वह उनका नाम मिराबे था। ये जो है क्रांतिकारियों और तीसरे जनसाधारण वर्गों की जो असेंबली थी, जो सभा थी, उसकी उन्होंने अध्यक्षता की। 20 जून 1789 को मिराबियो की अध्यक्षता में, चूंकि जनसाधारण का व्यापक प्रभाव, उसका व्यापक प्रभाव का असर हुआ और सामंतों कुलीन वर्गों के दबाव में आकर जो है लुई सुलावा जो है इन तीनों वर्गों का जो सभा हो रहा था, जिसमें तीसरा वर्ग जनसाधारण वर्ग की अध्यक्षता मिराबियो की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही थी, उसको ये सामंतों कुलीनों और पादरियों के दबाव में आकर के लुई सुलावा जो सम्राट है वह उस सभा को बंद करा दिया। सभा को बंद कराने के बाद इस आदेश के विरोध में, सभा को बंद कराने का जो आदेश था इसके विरोध में
मीराबियों ने सभा के बाहर उस भवन के निकट स्थित जिसका नाम था टेनिस कोर्ट में बैठ करके उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया और 20 जून 1779 को मीराबियों की अध्यक्षता में टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई और इस शपथ में मीराबियों ने यह शपथ लिया कि हम जब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता चाहे हमारे साथ संगीनों का भी व्यवहार न क्यों न किया जाए, अर्थात संगीनों से ही क्यों न काम लिया जाए, अर्थात उनका यह शपथ था कि हम यहां से तभी हटेंगे जब हमारे सभी मांगों को माना जाए। इसी घटना को हम टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जानते हैं। इसके बाद से फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र का बनना, अगला जो इसका टॉपिक है, टेनिस कोर्ट के शपथ के बाद 1791 ईस्वी में फ्रांस जो है एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इसमें आप समझेंगे फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र एक ऐसा राजतंत्र जो संविधान के तहत चलता है। राजतंत्र की विशेषता जिसमें राजा का आदेश सर्वोपरि होता है, लेकिन इस प्रकार के विद्रोहों के कारण फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र विद्रोहों के कारण फ्रांस का जो व्यवस्था था वो संवैधानिक राजतंत्र के रूप में देखा गया और 1791 में नेशनल असेंबली द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इलेक्शन कहने का मतलब कि ऐसा राजतंत्र होगा जो संविधान के तहत चलेगा, जिसमें सबसे पहला काम किया गया कि राष्ट्रीय इसमें 1791 में नेशनल असेंबली द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें पहला मुख्य उद्देश्य जो था सम्राट की शक्तियों को कम करना सबसे पहला उसका उद्देश्य इस कानून में था। और दूसरी जो चीज थी वह ये थी कि अब जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण हो चुका था, अर्थात ऐसा राजतांत्रिक संवैधानिक शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता को बांट दिया गया और वह किसमें बांटा गया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनका विभाजन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कर दिया गया और इस परिवर्तन ने फ्रांस को एक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के रूप में परिवर्तन कर दिया। राष्ट्रीय सभा द्वारा निर्मित कानून, राष्ट्रीय सभा ने अपने कानून पारित किए जिसमें पहला कानून यही था कि 25 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जो 3 दिन के मजदूरी के बराबर कर चुका सकते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो और वह जो है दैनिक मजदूरी अर्थात 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हो, ऐसे व्यक्तियों को सक्रिय नागरिक माना गया और उन्हें मत देने का अधिकार दिया गया। बाकी जो नागरिक थे, शेष नागरिक, ऐसे इन नागरिकों को निष्क्रिय व्यक्ति के रूप में माना गया था। इस कानून में पहली बात राष्ट्रीय सभा, इसमें एक चीज और समझिए, राष्ट्रीय सभा का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रीय सभा जो है, राष्ट्रीय सभा में कानून बनाने का अधिकार केवल नेशनल असेंबली को प्राप्त था और नेशनल असेंबली जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, और वह अप्रत्यक्ष रूप क्या था, निर्वाचक नागरिकों द्वारा एक निर्वाचक मंडल नियुक्त किया जाता था।
नागरिक एक निर्वाचक मंडल की नियुक्ति करते थे और वह निर्वाचक मंडल जो है पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनता था। तो कानून बनाने का अधिकार जो है केवल किसको था, नेशनल असेंबली को था, राष्ट्रीय सभा को था, जिसमें पहला कानून 25 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जो 3 दिन मजदूरी के बराबर कर चुकाता है, ऐसे व्यक्ति सक्रिय व्यक्ति होंगे और उन्हें मत देने का अधिकार होगा। दूसरी चीज इसमें जो था, पुरुष और नागरिक अधिकार की घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बराबरी का अधिकार, नैसर्गिक तथा आवश्यक अधिकार, इस प्रकार के अधिकार को सुरक्षित किया गया, जिसको हम पुरुष और नागरिक अधिकार की घोषणा पत्र के तहत देखते हैं। और यह जो है यह जारी किया गया कि इन घोषणा पत्र में जो भी चीजें हैं उसका पालन कराने का अधिकार राज्य को होगा, और उसको यह अधिकार होगा कि इन घोषणा पत्र में जो भी चीजें हैं, जो भी बिंदुएं हैं, उनको हर हाल में राज्य सरकार को जो है उसको पालन कराना होगा। आज के लिए इतना ही, कल अगले टॉपिक में बताया जाएगा।